मन बना लिया आपने अजय अंजाम को सुनने का। अब मैं शुरू होता हूँ, सुनिए। स्वागत है। वाह वाह, क्या आनंद से परिपूर्ण है यह भव्य मंडप। इंद्र की अलका को मात देता दिव्य मंडप। वाह, विद्युत दीपकों की क्या अनूठी जगमगाहट। चक्षुओं को बांधती है ये प्रसूनों की सजावट। स्वर्ण के सिंहासनों पर देव कविता के विराजे। मुक्त स्वर में गूंजते हैं ये चतुर्दिक यंत्र बाजे। यंत्र बाजों से बहुत श्रृंगार गाया जा चुका है। हास्य के आरोह का जादू जगाया जा चुका है। और कुछ वो भी सुना जो भूल कर सुनना नहीं था। वो गुना जो भारती के मंच से गुना नहीं था। हेम दादा, प्रश्न है, प्रश्न है, मैं बताओ कौन सा मुद्दा उठाऊं। अरे जो जोश सुनाया जा चुका है, मैं वही कैसे सुनाऊं। इसलिए मैं लीक से हटकर सुनाना चाहता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए मैं लीक से हटकर सुनाना चाहता हूँ। सो रहे जो सिंह, मैं उनको जगाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। मैं अछूते छंद का चंदन लगाना चाहता हूँ। मैं अछूते छंद का चंदन लगाना चाहता हूँ। देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूँ। क्या बात है दादा, देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूँ। गीत गाना चाहता हूँ मैं सनातन आस्था के। पूर्वज देकर गए जो उस अनूठी संपदा के। मैं चतुर्युग से मिला वरदान गाना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं देश का सम्मान गाना चाहता हूँ। राम के प्रभु राम बनने का सुनो मुझसे कथन। प्रक्रिया है दीर्घ, कोई कृष्ण क्या बनता अचानक। सिंधु रोके मार्ग, ये अवकाश हम देते नहीं। लील कर मातंड को हम सांस भी लेते नहीं। लो सुनो कैसे धर्म ध्वज गाड़ देता है भरत। सिंह के चपड़े करों से फाड़ देता है भरत। सुन सको तो मानवर, गांधी की टंकार सुन लो। व्यूह के सप्तम शिखर से वीर की हुंकार सुन लो। बाली सुन, तारा तनय के पांव का अड़ना सुनो। अस्मिता के पक्ष में तुम गीध का लड़ना सुनो। एक बार किसी ने प्रश्न पूछ दिया कि गीध को भगवान राम की गोद क्यों मिली। भीष्म पितामह तो इतने बड़े भक्त थे, उनको प्रभु की गोद क्यों नहीं मिली। किसी विद्वान ने जवाब दिया, बस बेटा हो गया, इस मंच पर सबसे खूबसूरत मैं ही हूं। किसी ने पूछा कि भीष्म पितामह को गोद क्यों नहीं मिली भगवान की और गीध को क्यों मिली। किसी विद्वान ने जवाब दिया कि अक्षम होने के बावजूद गीध ने जब। सर अगर आप लोग चले जाएंगे तो कविता हम किसको सुनाएंगे। आप लिफाफे में से 1,000 रुपया काट लो, बस कविता सुन लो। सरकार बैठ जाओ। हालांकि आपकी समझ में कविता आने वाली है नहीं। चलिए आप निकलिए, निकलिए, ठीक है। आप पूड़ियां खाइए, उसके बाद चले जाइए। किसी ने पूछा गीध को सम्मान क्यों, भीष्म पितामह को सम्मान क्यों नहीं। विद्वान ने जवाब दिया कि जब स्त्री की अस्मिता खतरे में थी तो अक्षम गिद्ध ने अपनी संपूर्ण ताकत लगा करके माता सीता की रक्षा की थी, जबकि भीष्म पितामह सक्षम होते हुए मौन बैठे रहे थे। इसलिए मैं प्रतिष्ठित कर रहा हूं वीरता के भाव को। भूलने दूंगा नहीं मैं वीर बाजी राव को। आज चेतक की चरण रज से ये मंडप ढांक दूं। वीर छत्ता का दुछत्ता छातियों पर टांक दूं, कंठ पर रख दूं। बात बढ़िया, लोग आ गए सामने, इन्हीं को कविता सुनानी है। बैठ जाओ बेटा, एक बार तालियां बजा करके हौसला बढ़ा दीजिए, जुड़ जाइए एक बार, क्योंकि अब मैं जिस फॉर्म में आ गया हूं उसमें अब इधर उधर आपका आना जाना मुझे स्वीकार नहीं। मन बनाना मेरा, और जो पंक्ति हृदय पर ठक से लग जाए, लगे कि आपके कुलवंश का कोई बड़ा भाई देशभक्त की सही बात कह रहा है, तो जरा तालियां वालियां बजाते रहना। मैं प्रतिष्ठित कर रहा हूँ वीरता के भाव को। अरे भूलने दूंगा नहीं
मैं वीर बाजीराव को आज चेतक की चरण रथ से ये मंडप ढांक दूं, वीर छत्ता का दुछत्ता छातियों पर टांग दूं, कंठ पर रख दूं कहो चौहान की हुंकार को, जो उठी झांसी से उस वीरत्व की टंकार को, पोस्ट को सैल्यूट फिर आजाद का वंदन करूं, सर झुका सरदार के चरणों में अभिनंदन करूं। है बहुत गौरवमयी इतिहास का अभिमान हो, ये जरूरी है हमें इतिहास का सम्मान हो, जागते रहना हमें कमजोर आंका जा रहा, झूठ के बादल में सच का सूर्य ढाका जा रहा, अरे हम विपुलतम ज्ञान के भंडार का हिस्सा रहे, हम जगत की आस्था का भव्यतम किस्सा रहे। मैं वही किस्सा तुम्हें फिर से सुनाना चाहता हूँ, देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूँ, देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूँ, देश की मिट्टी के मैं कुछ गीत गाना चाहता हूँ। पंक्तियां सुनिएगा, देश की मिट्टी के गीत क्यों गाना चाहता हूँ। पक्ष या विपक्ष की कक्षा नहीं है मंच, पक्ष या विपक्ष की कक्षा नहीं है मंच, सत्य के समक्ष शीश मिलकर झुकाएंगे, अरे कविता का पार्क ही समाज है समक्ष, आज दोनों पक्ष मिलकर इस कक्ष को सजाएंगे। सुनने में दक्ष लोग खोले हुए हैं वक्ष, अच्छा सुनाओ तो पलकों बिठाएंगे, अरे तालियां बजाने के लायक पढ़ा तो जाए, दावा है मिलकर सब तालियां बजाएंगे, दावा है मिलकर सब। वाह वाह वाह, निसंदेह वाह दादा। एक छंद हेमदत्ता को समर्पित करता हूँ, स्वागत। 40 साल की यात्रा में उन्होंने क्या हासिल, स्वागत है दादा। वाह 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 वाह। कविता को लेकर हम चले हैं कहां से कहां, अध्यक्ष जी, कविता को लेकर हम चले हैं कहां से कहां, कितना गिराया है मान बतलाए क्या, मुन्नी बदनाम और शीला की जवानी पर लिखी हुई कविता को सुनकर इतराए क्या। संत चरण आए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ, एक बार सदन से निवेदन करता हूँ, दिव्य मूर्तियां पंडाल में आई हैं, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय संत जी के लिए, महात्मा जी के लिए बजा दीजिए, मैं निवेदित कर रहा हूँ। स्वागत है। कविता को लेकर हम चले हैं कहां से कहां, कितना गिराया है मान बतलाए क्या, मुन्नी बदनाम और चोली के प्रतीकों पर लिखी गई कविता को सुनकर इतराए क्या, तुलसी कबीर सूर मीरा के उदास नैन नैनन से टपके हुए आंसू गिनवाए क्या, अरे कविता के मंच पर मस्खरी के रूप रंग रखे जाए उस पर कहो तालियां बजाएं। पढ़ना क्या है, भारती की आरती में दीपक से दमक उठे, शब्दों के प्रसून देश माता पर चढ़ाओ तो, भारत की आन बान शान की प्रशस्ति पढ़ो, वीरों की जय का जय घोष लगवाओ तो, तालियां तो छोड़ो सलामी भी देंगे लोग, देश के शहीदों की विरुदावली गाओ तो, पंक्तियों में श्वेत हरा केशरिया मिला के रंग, गीतों में अपने तुम तिरंगा लहराओ तो, गीतों में अपने तुम तिरंगा। बहुत बहुत अभिनंदन। एक कविता अंत में जिसका जिक्र अभी अमित ने किया, निवेदन दादा, राजस्थान का वो गौरव हिंदुआ सूरज, वो सनातन वंश का प्रभाकर राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, जिस पर आदरणीय श्याम नारायण पांडे ने शानदार कविता लिखी, देश का बच्चा बच्चा गाता है, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, ऐसे महाराणा प्रताप के शौर्य पर कविता लिख दी श्याम नारायण जी ने। मेरी लेखनी में ये शक्ति नहीं थी कि उतनी बड़ी शख्सियत पर मैं कविता लिखता, तो मैंने विषय का चयन किया, मैंने उनकी सवारी चेतक पर एक छोटी सी कविता लिखी है, अगर आप लोगों का आशीर्वाद तालियों के रूप में मिले तो वो चेतक कविता में आपके अद्भुत कविता है। मेरा निवेदन है कि एक बार एक एक शख्स तालियां बजाकर इस कविता के लिए निवेदन करे। स्वागत, सुनिएगा दोस्तों, स्वागत। क्या अंतर था हिंदुस्तान के दूसरे युद्धों में और हल्दी घाटी के युद्ध में, सीधे सीधे निवेदित करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत।
मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के काल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध, क्या अंतर था? मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के काल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, मेवाड़ की माटी में, हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। अरे राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। अन्य युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा। वहाँ शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द संविधा चढ़ाता हूँ। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूँ। सुनिएगा दोस्तों। हाँ दादा, पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। आइए श्रीमान जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में आपकी महनीय उपस्थिति से हम सब उपकृत हैं। आपका विशेष अभिनंदन स्थान ग्रहण करेंगे और मुझे कविता पढ़ने की इजाजत देंगे तो मुझे हर्ष होगा। माननीय अतिथि से निवेदन है, कविता पढ़ने का अवसर हमें प्रदान करें। दादा थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, 5 मिनट का मेरा क्रम और है। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से, साफ देना दोस्तों नहीं तो मेरी हिम्मत कमजोर पड़ जाएगी। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कौन थे राणा प्रताप? अध्यक्ष जी हमसे बढ़िया इस समय कोई बात नहीं कर रहा होगा। सर जी हमें पता है आप वही वाला सूट पहन करके आए जो अपनी शादी में आपने बनवाया था, लेकिन इस समय हमसे बढ़िया बात आप नहीं कर पाएंगे। इस समय मैं बेहतरीन कह रहा हूं जो कुछ भी मेरे पूरे कविता के उसमें। आपसे सिर्फ निवेदन है, प्रार्थना याचना है, आप इस शहर के बड़े हैं, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हमारी कविता पढ़ना सिद्ध होगा। सुनिए, स्वागत। कौन थे महाराणा प्रताप? जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा खर्च उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुध बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत था चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री पाई जी जयवंता ने। क्या बात है। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे। थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष्ट होते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। दोस्तों हम अपनी सरहदों पर आदरणीय कहीं कमजोर नहीं हैं।
जब भी इस देश पर आक्रमण हुए हैं, इस देश की सेनाओं ने भगदौड़ जवाब दिया है। हमारी दिक्कत क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, चार पंक्तियां वो भी पढ़े देता हूं, कविता आगे बढ़ाता हूं। अरे युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से, ये इतिहास लिखा जाता है खून सनी तलवारों से। बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत ले जब चाहे, हम तो बाजी हार रहे हैं भीतर के गद्दारों से, हम तो बाजी हार रहे हैं भीतर के गद्दारों से। पंक्तियां सुनिएगा। मुगलों के राजा अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूं। पता नहीं आपका तादाद में मंच के साथ कितना हो रहा है, ये आप ही तय करेंगे, लेकिन देश के बड़े और महनीय कवियों ने बताया कि युद्ध के दृश्य में जब ध्वन्यात्मकता होती है, हथियारों के चलने का स्वर जब कविता में फूटता है, तो कविता बड़ी हो जाती है। प्रयास मैंने किया है, आशीर्वाद आप सबसे मांगता हूं। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मानसिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनि अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी। क्या बात है। इस बीच युद्ध का शंख बजा, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन जुझारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तरवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की सहनाई संग तोपों के मुखर सितार बजे, तो धारी बोझी खल खन छुरियां छम 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 छाप बजी, झन झन झना झन चंद्र हाथ दुश्मन की गर्दन नाप बजी, हंसों की डोरी धन धन और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, अरे सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती। जिंदाबाद। इतिहास के पन्ने पलट के देख लेना जगमल और कल्ला राठौर की कहानी, जिस दिन पढ़ लोगे मेरी कविता सिद्ध हो जाएगी। कल्ला राठौर का सिर कट गया था, जगमल को अपने कंधों पर बैठा करके 17 किलोमीटर की यात्रा की थी, तब ये पंक्तियां पढ़ने की हिम्मत। सिर कट कर गिर जाते थे पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भंगोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सब फट जाता था, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था, चेतक आ रहा है सामने से, अगर महसूस हो जाए तो तालियों से ताल मिला देना, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक टप टप टपाक टप टपाक टप 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 टप टपाक पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस पदचाप सुनाई देती थी। जिंदाबाद। वाह वाह वाह। बस पदचाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक, देखो अपनी आंखें खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता भैरों बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी, फिर रक्त बीज बन गए मुगल बरछी चामुंडा बन बैठी, बैरी को तक्षक थे प्रताप हुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना अंगार बन गया था चेतक। और ये पंक्ति आपकी जमानत पर पढ़ता हूँ। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। जिंदाबाद। दोस्तों ये कविता सुनाने लायक अभी आपका माहौल है नहीं, मुझे लग नहीं रहा है, जिस तरीके की ऊर्जा की मुझे आवश्यकता है आप दे नहीं पा रहे हो, पता नहीं या मैं सुना नहीं पा रहा हूँ। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ ये पंक्ति पढ़ने की, मुझे पूरे पांडाल का जयकारा चाहिए। बैरी को तक्षक थे प्रताप फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना अंगार बन गया था चेतक, मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम करता हूं। ऐसे सुनिएगा।
तलवार को अल्लाह कहते थे, तलवार पार हो जाती थी बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक, लोहू की नदियां बहती थी, नदिया की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में, अरे राणा पर होता वार अगर। डेढ़ पंक्ति पढ़ूंगा, आधी पंक्ति वापस अगर इधर से आ गई तो पढ़ूंगा, नहीं कविता बीच में छोड़ के बैठता हूँ। ध्यान से सुन लेना, अगर मन जोड़ लिया तो आधी पंक्ति आप बोलोगे, मन नहीं जोड़ा तो बाहर निकल जाएगी कविता। डेढ़ पढ़ूंगा गारंटी है बैठ जाऊंगा, मेरा काम हो चुका है। हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, पानी के ऊपर था चेतक, राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। पंक्ति देना वापस, राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक वहां, क्या बात है, तो वहां दिखाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। एक पंक्ति और बहुत ताकत से पढ़ रहा हूं, इस बार तो पूरा मजमा दोनों हाथ उठा करके बजाए, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था, मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। जिंदाबाद। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। वाह वाह वाह। चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, ऐसे सोचता कहाँ मिलेंगे हिंदुस्तान में, ठीक बात मुक्त मिली आंधी मस्जिद के पांव उठाता था, राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मर जाता था। ये चेतक में जो पड़ी रहती है जिसमें पैर रखते हैं उसका पुनर्जन्म है अंग्रेजा, ठीक बात मुक्त मिली आंधी। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मर जाता था, पहली सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मर जाता था, बेहद चालाकी करता था, जिससे सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगे घट जाती थी, था तभी अचानक बाण सिंह हाथी के सवार नजर आया, राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया, अगली टांगों का प्रबल बाण हाथी का मस्तक चूम गया, आघात सुबह भारी था लगकर हाथी लड़का भाई का भाला बिंदु जैसा बिगड़ा उठा, लगता ठहर जा पूर्ण हुए तो पाप तुम्हारे लगते हैं, तू भूल गया रण कौशल में पाप तुम्हारे लगते हैं। राणा राणा का शोर उठा गंगोर समर के अधिकार में जैसे कोई भोर उठा, आगे करुणा का सागर है हाँ, इस करुणा में थोड़ा रो लो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। अंतिम बंद चार पंक्तियां आपसे विदा, बस मन दे दीजिए राणा के प्रबल प्रहारों का, न तोर दिखाई देता था न हल्दी घाटी में चेतक का चोट दिखाई देता था, संख्या बढ़ने अकबर का दल राणा के दल से भारी था, हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था, गिर गया शगालों में नाहर राणा को संकट बूझ गया, पर एक लिंग का हथूपूत दोधारी लेकर जूझ गया, इतने में झाला आ पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो, राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कर सकता हूं पर पैच भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं कर सकता। तब एक लिंग का नाम लिया, देखो झाला बोले दुश्मन का भार लिया खुद पर, होकर लखपत
अगर झाला बोले इनको मैं भूल चुका होगा। देखो तुम कल के मंगल को झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मगर 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला चलते चलते जैसे शरीर चेतक ने बस ये बोला हो मालिक 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 मेवाड़ भरने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं। माथा सहलाकर विदा करो मैं फल से निभा कर जैसे अपना मुंह खोला चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो मालिक मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूँ। माथा सहलाकर विदा करो मैं फर्ज निभा कर जाता हूँ। बस एक प्रार्थना है स्वामी। क्या कह रहा है चेतक पंक्ति संभाल ले। बस एक प्रार्थना है स्वामी। बस एक याचना है मालिक शत्रु का सिद्ध संयंत्र न हो जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया हलाल भी जीता चेतक को भावों में बैठकर गायब शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा गाएंगे श्याम नारायण भी हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे और अगर इतिहास समर्थन करता हूं मेरी पंक्ति का विद्वान लोग बैठे कविता के बाकी पंक्ति पढ़ता हूं। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा जब तक ये राणा चुनता है मेवाड़ गुलाम जिंदाबाद। जब तक ये राणा चुनता है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। अंजाम अजय की विनती है तो साथ दे देना। हिंदुस्तान ने जितना आशीर्वाद इस कविता को दिया है उसमें छटाव भर देगा। अगर यहाँ कम हो गया तो मेरा मन टूट जाएगा। पूरा मजमा खड़ा होकर के तालियां बजाता मैं निवेदन करता हूं। अंजाम अजय की विनती है अब तो दोनों बाजू खोलो। अंजाम अजय की विनती है अब तो दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत।